कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट मीरा के पद रिटन बाय मीराबाई। मीराबाई फ्रॉम हर चाइल्डहुड से वॉज ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, से लव्स अ लॉट टू हर बिलोव्ड God loving Krishna. She has dedicated all of her poems for the Krishna from her childhood. At the time of end of life, she has immersed herself in the ideal of Krishna at the temple. Mirabai राजस्थान के मेवाड़ राज्य के राजा रत्न सिंह की अकेली पुत्री थी। मीराबाई की शादी राणा भोजराज के साथ हुई थी, जो बाद में युद्ध में उनकी मौत हो जाती है। पति की मृत्यु के बाद मीराबाई के मन में संसार, परंपरा, नीति नियम, रीति रिवाज सबके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न होने के कारण मीराबाई संपूर्ण रूप में अपने आप को कृष्ण के पास समर्पित कर देती है। मन ही मन वह कृष्ण को ही अपना पति मान लेती है। मीरा के पद में मीराबाई कृष्ण के प्रति अपने समर्पण भावना, प्रेम आदि का व्यक्त करने की कोशिश करती है। राधा और मीरा दोनों कृष्ण की प्रेमिकाएं हैं। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, राधा प्रेम की दीवानी है और मीरा दर्द की दीवानी। एक प्रेम की दीवानी है और एक दर्द की दीवानी। ये कहा जाता है कि मीरा अंत में कृष्ण की मूर्ति में, द्वारिका मंदिर में कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। मीरा को बाद में किसी ने नहीं देखा। तो मीरा पद में मीरा कृष्ण के प्रति अपनी भावना प्रकट करती है। कहती है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी सुरती सांवरी, मोहनी मूर्ति सांवरी सुरती, नैना बले विशाल। कहते, हे मोहन नंदलाल, आप मेरे नैनन में, मेरी आंखों में दिन रात बसते हो। मेरे आंखों के सामने आपकी मनमोहक रूप, मोहनी मूर्ति, सांवरी सूरती, आपका सांवला चेहरा निरंतर मेरी आंखों के सामने दिखाई देता है। मैं अगर किसी का रूप देखती हूं, किसी की तस्वीर अगर देखती हूं, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी तस्वीर ही देखती हूं। अधर सुधारस मुरली राजती उर्वैजयंती माल, आपके अधरों पर, होठों पर सुधारस अमृत की धारा बहती है। बांसुरी की आवाज के द्वारा आप मुरली बजाते हुए, बांसुरी बजाते हुए आपके गुलाबी होठों से अमृत धारा प्रवाहित करते हैं। उर वैजयंती माल, उर मतलब सीना, आपकी छाती पर वैजयंती फूलों का हार शोभित होता है। छिद्र घटिका कटिक तट शोभित मुकुट शब्द रसा, नुपुर शब्द रसा। छिद्र घटिका आपकी कमर में झुनझुन आवाज के साथ शोभित होते हैं और पैरों में नुपुरों की आवाज अत्यंत रसाल सुनाई देती है, रसीला लगती है वो नुपुरों की आवाज। मेरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल, हे मेरा के प्रभु कृष्ण, आप भक्त वत्सल हो, भक्त के प्रेमी हो, आप सबके सुखदायक हो, सबको सुख देने वाले हो। आपका रूप सदैव
मेरी आंखों के सामने ही रहती है। चाह कर भी उस रूप को मैं कभी भुला नहीं सकती। किसी ने सही कहा, नजरअंदाज करे कैसे नजरों में बिठाए हैं आपको, नजरअंदाज करे कैसे नजरों में बिठाए हैं आपको, आंसू आए तो भी रोए कैसे, डरते हैं कहीं झुकी पलकें तो चुहे ना आपको। आंखों में कृष्ण का रूप, कृष्ण की छाया निरंतर रहती है। नेक्स्ट पद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई। कहते हैं गिरधर गोपाल कृष्ण सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, वे किसी और के नहीं है, दूसरे ना कोई, कोई और दूसरा मेरा अपना नहीं है, मेरा अपना सिर्फ और सिर्फ गिरधर गोपाल कृष्ण है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मयूर के पंखों के मुकुट शोभित होता है वो खुद मेरे पति हैं, मैं उन्हें पति मानती हूं। छाड़ी दे कुलकानी का करे कोई, संतन ढिक बैठी बैठी लोकलाज कोई। कहते हैं मैं राजकुमारी हूं लेकिन कृष्ण के प्रेम के लिए मैंने कुल वंश मर्यादा सब कुछ छोड़ दिया है। संतों के साथ बैठ बैठ कर कृष्ण का नाम ले लेकर मैं मीराबाई लाज शरम सब कुछ खो चुकी हूं। हे कृष्ण सिर्फ और सिर्फ तेरे प्यार के लिए हम बदनाम हैं। ये मीरा तेरे प्रेम के लिए लोक लाज संसार के लाज शरम सब कुछ खो चुकी है। इन संतों के साथ बैठकर तेरा ही नाम लेना ही मेरा धर्म है। आंसुवन जब सींची सींची प्रेम बोली बोई, अब तो बात फैल गई होनी हो सो होए। कह रहे आंसुओं के जल सींच सींच कर मैंने प्रेम की लता को बढ़ाया है, कृष्ण के प्रेम की लता को मैंने बढ़ाया आंसुओं के जल सींच सींच कर। अब तो बात फैल गई होनी सो होए, अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि मीरा कृष्ण की प्रेमिका है, मीरा कृष्ण के प्रेम में पागल हो चुकी है। होनी सो होए, अब जो होगा देखा जाए, अब ना डर है ना लाज है ना शर्म है। आंसुओं का पानी दे देकर मैंने जिस प्रेम की लता को बढ़ाया है उसे मरने में नहीं दे सकती। किसने क्या खूब कहा है, इस जिंदगी की अजीब सी कहानी है, इस जिंदगी की अजीब सी कहानी है, जिसे चाहा वही बेगानी है। हंस देते हैं दुनिया को हंसाने के लिए वरना दुनिया भी डूब जाएगी, आंखों में इतना पानी है। हम वो पानी बरसा बरसा कर जिस लता को बढ़ाया है उस लता को हम कभी मरने नहीं देंगे कृष्ण, सिर्फ तेरे लिए हम लाज शर्म सब कुछ छोड़ दिया। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही। कहते हैं ये संसार के रीति नियम प्रथा परंपरा नियम कानून बंधन रोक टोक ये सब देखकर मैं रोती हूं, मुझे रोना आता है। भगत देख, जैसे कृष्ण की भक्तों को मैं देखती हूं तो मुझे खुशी मिलती है, उम्मीद जागती है, मैं खुश होती हूँ। और जगत के रीति रिवाज प्रथा परंपरा को देखकर मैं रोती हूं। दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही। कहते हे गिरधर गोपाल, ये मेरा आपकी दासी है, आप मेरा उद्धार करो, मेरी रक्षा करो, मुझे इस जगत संसार के बंधन से मुक्त कर दो, मैं सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की ही होना चाहती हूं। मायरी मोही लिया गोविंद मोल, तू कहा थाने मैं कहा चौड़े लियो रे बजंता ढोल। मेरा भाई जब बदनाम हो जाती है
मीरा की मां जब डांटती है तब मीरा कहती है, हे माई तू बावली है, तू पगली है, तू कहती है कि मैंने कृष्ण से चोरी छुपी प्रेम किया है। मैं कहती हूं कृष्ण से मैंने ठाणे खुले आम सबके सामने कृष्ण से प्रेम किया है और इजहार किया है। ढोल नगाड़े बजा बजा कर दुनिया को बता बता कर हरे राधे कृष्ण का नाम ले लेकर मैंने कृष्ण से प्रेम किया है, चोरी छुपी मैंने कृष्ण से प्रेम नहीं किया। कोई कहे मूंगो कोई कहे सुहंगो, लियो रे तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे अमूलिक मोल। मीराबाई दुनिया वालों से कहती है कि संसार में कोई कहता है कृष्ण काला है, कोई कहता है कृष्ण को मैंने महंगाई में खरीदा है, कोई कहता है सुहंगो कृष्ण को सस्ते में खरीदा है, कोई कहता है कृष्ण काला है, कोई कहता है कृष्ण गोरा है। कभी हमसे भी पूछ कर देखो, कृष्ण को दिल के तराजू में तोलकर आंखों में बिठाकर दिल में बसाकर हमने कृष्ण से प्रेम किया है। चाहे कृष्ण किसी के लिए काला हो, चाहे किसी के लिए गोरा हो, किसी के लिए सौदा महंगा हो, किसी के लिए सौदा सस्ता हो, लेकिन हमारे लिए कृष्ण अनमोल है, अनमोल रतन है। कृष्ण को हम नहीं छोड़ सकते। लोग कहते हैं उन्हें याद करना छोड़ दे, लोग कहते हैं उन्हें याद करना छोड़ दे, वो तो हमारी धड़कन में बसे हैं, तो क्या हम सांस लेना ही छोड़ दे? अब जितनी बार धड़कन लेंगे उतनी बार कृष्ण याद आएंगे, चाहे किसी के लिए काला हो, किसी के लिए गोरा हो, किसी के लिए महंगा हो, किसी के लिए सस्ता हो, लेकिन कृष्ण मेरे लिए अनमोल है। यहां को सब लोग जाना थे, लियो रे आंखें खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो पूर्व जन्म की कोल। मीरा कहती ये सब लोग जानते हैं, लोग जाना थे, लियो रे आंखें खोल, सबको पता है मैंने आंख खोलकर कृष्ण की मनमोहक मूर्ति को देखकर, मनमोहक रूप को देखकर, उनसे प्रभावित होकर मैंने कृष्ण को अपना पति माना है, इसमें कोई शंका नहीं। मैंने आंख खोलकर कृष्ण को देखा है और कृष्ण को अपनाया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो पूर्व जन्म की कोल। मीरा कहते संसार वासियों की बात से मुझे कोई फिक्र नहीं, कहते हे प्रभु पूर्व जन्म में मैं आपकी दासी थी, आप मुझसे वादा किए थे, मैं जब गोपी थी तब आपने मुझसे वादा किया था इस जन्म में मुझे आप दर्शन देंगे, उस पुण्य का फल अभी मुझे प्रदान करते हुए आप अपना वचन की रक्षा कीजिए और मुझे दर्शन दीजिए, ये मेरे पूर्व जन्म की स्वीकृति है, मैं जब गोपी थी तब आप मुझे वचन दिए थे दर्शन देने के, इसलिए इस जन्म में आप मुझे दर्शन देंगे, ये आपका वचन है। लोगों को जो कहना है वो कहते रहे, लोग तो यूं ही कहते हैं, लोग कहते हैं प्यार एक दर्द है, हमने कहा दर्द हमें कबूल है। लोग कहते हैं दर्द के साथ जी नहीं पाओगे, हमने कहा तेरे प्यार की खातिर हमें मौत भी कबूल। अब लोग चाहे जो भी कहे, मेरा सिर्फ कृष्ण की है, मेरा किसी और की नहीं है, और आप पूर्व जन्म में मुझसे वादा किए थे, इसलिए इस जन्म में मुझे दर्शन देना आपका धर्म है। नेक्स्ट आ जा, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। कृष्ण कहती है द्वारका मंदिर में कृष्ण के लिए सिर्फ मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है, मैं स्वयं अनजाने में ही कृष्ण की दासी बन चुकी हूं, तन मन प्राण सांस धड़कन जीवन सब कुछ कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण के सिवा
इस तन के ऊपर, मन के ऊपर, धड़कन के ऊपर, सांसों के ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं है, सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण है। लोग कहें मेरा भाई बावरी, न्याक कहे कुलनासी रे। कृष्ण के लिए मीरा का पागलपन देखकर संसार के लोग कहते हैं मीरा पागल हो गई है कृष्ण के प्रेम में, कुल वाले कहते हैं कुलनासी है, उल्टा है, चरित्रहीन है, लेकिन हमें उस बात को कोई फिक्र नहीं है। भले लोग बावली कहे, भले लोग उल्टा कहे, भले लोग चरित्रहीन कहे, जो कहना है कहे, लेकिन हम कृष्ण से ही प्रेम करेंगे। विष का प्याला राणा जी ने भेजिया, पीवत मीरा हसीरे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी जी। तो मीरा जी के जो देवर जी थे, वे राजवंश के बदनाम के डर से मीरा को जहर देकर मारने के लिए कोशिश कर रहे थे। दूध में जहर मिलाकर, केसर के दूध में जहर मिलाकर, जहर का प्याला मीराबाई को जब दिए राणा जी ने, तब मीराबाई मुस्कुराते हुए उस जहर को पान कर ली थी, क्योंकि कृष्ण पर मीराबाई को भरोसा था कि मेरा कृष्ण मुझे बचा देंगे। ऐसे कहा जाता है पुराणों में कि स्वयं कृष्ण मीराबाई के रूप में आकर उस जहर को पान किए थे, क्योंकि मीरा कृष्ण पर भरोसा करते हुए उस जहर को पान कर ली थी। क्योंकि कहते मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। कहते मेरे गिरधर नागर कृष्ण अविनाशी है, वे मुझे बचा लेंगे, मैं उनकी प्रेमिका हूं, इसलिए मुझे जहर से कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मेरे प्रभु अविनाशी है और उनके ऊपर मेरा भरोसा है, इसलिए उनके दर्शन किए बिना मैं नहीं मर सकती। किसी ने सही कहा, उनसे कुछ बात बाकी है, खुदा से एक फरियाद बाकी है, उनसे कुछ बात बाकी है, खुदा से एक फरियाद बाकी है, मौत भी आएगी तो कहेंगे रुक, मेरे यार से एक मुलाकात बाकी है। जब तक हम कृष्ण को नहीं मिल जाते और जब तक कृष्ण दर्शन ना कर लेते, तब तक हमें जहर या कोई और हमें नहीं मार सकता। सो कंप्लीटली दिस पाथ वॉज डेडिकेटेड टू अस तो बिलोंग गॉड लॉर्ड कृष्णा। इफ एनी डाउट यू मे आस्क इन थ्रू व्हाट्सएप और इन ऑफलाइन क्लास। हैव अ नाइस टाइम चिल्ड्रन। कृष्णा हरि। थैंक यू।